हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुर्किश फिश की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ के जी फिश ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, फिर हम लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दही डालेंगे 2 बड़े चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे हम, चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और हरी चटनी का पेस्ट मैंने डाला है, ग्रीन चटनी पीस ली थी, सरसों का तेल डाला है मैंने, कच्चा ही यूज़ किया है, इसे पकाया नहीं था तेल को मैंने। कच्चा तेल डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ़िश का, और बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसालों की अच्छी कोटिंग हो सके फ़िश के ऊपर। फिर हमने इस पे चावल का आटा डाल देना है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप भुने बेसन का यूज़ करें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने इसे चारों तरफ से मिला के अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि फ़िश के ऊपर अच्छी कोटिंग हो सके। फिर हमने इसे 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमने पैन में तेल गरम कर लेना है, उसके बाद एक एक करके सारी फिशेज ऐड कर देंगे। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप सब एक साथ डाल सकते हैं, वरना 3-3 4-4 करके फ्राई करें। अब ये देखिए साइड से ये ब्राउन ब्राउन हो रहा है, तो हमें इसे पलट देना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है फिश का, और ये बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा जूसी सा बिल्कुल लग रहा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत जूसी सी फिश लग रही है, बहुत ही टेस्टी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।